नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। आप सभी लोगों से एक अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर फैलाइए। आज हम बात कर रहे हैं हाथरस के मामले में महिला सांसद। अगर हम बात करें 17वीं लोकसभा में 78 महिला सांसद है। अगर ये महिला सांसद चाहें तो संसद से सड़क तक सब कुछ हिला सकती हैं, लेकिन हाथरस में युवती के साथ जो हुआ, क्या इन महिला सांसदों ने कुछ किया? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीजेपी से अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी जी, जो आमतौर पर नजर आती हैं, महिलाओं के लिए लड़ती हुई नजर आती हैं। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना स्मृति ईरानी जी का ट्विटर देखा जाए। वो ट्वीट भी करती रहती है कई बातों को लेकर के, कई बार वो चूड़ियां भी बेच चुकी हैं, इतनी कई बार आक्रोशित हो जाती हैं या जो है भावनात्मक हो जाती हैं किसी भी मुद्दे पर कि चूड़ियां तक भी वो बेच चुकी हैं। तो इस युवती के न्यायिक मामले पर वो कितनी भावुक हुई, क्या उन्होंने ट्वीट किया, कितनी संवेदनशीलता उन्हें थी, ये स्मृति ईरानी जी के ट्विटर पर जब हम जाते हैं तो उनका एक ट्वीट नजर आता है। संपूर्ण भारत में स्वाधीनता के लिए चेतना जागृत करने वाले महापुरुष, सत्य और अहिंसा के पर्याय युग दृष्टा, पूज्य बापू की जयंती पर शत शत नमन। वो नमन कर रही हैं ट्विटर के माध्यम से, बापू जी को याद कर रही हैं। लेकिन हाथरस के मामले में जिस तरीके से युवती के साथ जो अन्याय हुआ, रात के अंधेरे में शव को जला दिया गया, रात के अंधेरे में जो किया, क्या एक महिला होने के नाते और एक सांसद होने के नाते स्मृति ईरानी जी की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस मामले पर कुछ कहती, ट्वीट करती? बापूजी भी अगर होते तो शायद कुछ ना कुछ तो कहते इस मामले को लेकर, लेकिन स्मृति ईरानी जी ट्विटर के माध्यम से बापूजी को याद कर रही हैं, लेकिन कुछ और उन्होंने हाथरस के मामले पर नहीं कहा। हमने इनके कुछ और ट्वीट भी देखे। वरिष्ठ नेता एवं केंद्र कृषि राज्य मंत्री जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दे रही हैं, ईश्वर से उनके दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी कर रही हैं। लेकिन हाथरस के मामले पर क्यों चुप हैं आप स्मृति ईरानी जी? यह आपको देश को बताना चाहिए। आखिर आप क्यों चुप हैं इस मामले पर? यह देश को आपको बताना चाहिए, क्योंकि आप एक महिला हैं, आप सांसद भी हैं, आपको बताना चाहिए। इसके बाद हमने आगे बढ़े इनके ट्वीट पर, तो स्मृति ईरानी जी ने रीट्वीट भी किया है। ट्विटर को देख करके ऐसा लगता है कि रीट्वीट बीच में वो करती रहती है कुछ ना कुछ, लेकिन हाथरस के मामले पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब बात कर लेते हैं हेमा मालिनी के ट्विटर हैंडल की। वो एक ट्वीट में कह रही हैं, वी ऑल्सो रिमेम्बर अनदर ग्रेट सन ऑफ द नेशन श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हूज जयंती सेलिब्रेटेड टुडे, ट्विटर के माध्यम से उन्होंने कहा। फिर हमने देखा क्या हाथरस के मामले पर, एक युवती के मामले पर उन्होंने कुछ कहा, तो हमें नजर नहीं आया। प्रिय लता दीदी, माँ सरस्वती की वरद पुत्री, भारत रत्न स्वर कोकिला आदरणीय लता दीदी को जन्म दिवस की अशेष मंगल कामनाएं। लेकिन हाथरस के मामले पर चुप नजर आई, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने सरकार से कि इस मामले में कुछ किया जाए, कुछ ऐसा कानून बनाया जाए कि जो बच्चियां हैं वो देश में सुरक्षित रहें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेनका गांधी जी के ट्विटर हैंडल की। मेनका गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट को रीट्वीट किया है, लेकिन हाथरस के मामले पर वो भी चुप नजर आई है। हमने उनके ट्विटर को देखा तो कहीं नजर नहीं आया कि हाथरस की घटना पर उन्होंने दो शब्द कहे हों। ये हम महिला सांसदों के आपको ट्विटर बता रहे हैं हैंडल, ट्विटर से जो बातें कही गई हैं। मेनका गांधी ने रीट्वीट किया है नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर को। इसके बाद अगर हम बात करें हैं तो भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इनका ट्वीट आप देख लीजिए, जय श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है, ना कोई आरोपी था ना कोई बुरा हुआ, सच तो ये है सब राममय राम जी के कार में, विधर्मियों ने षड्यंत्र किए वही पराजित हुए। ये कह रही है भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर। लेकिन इनके ट्विटर पर भी किसी तरीके का हाथरस की घटना में कोई बयान नहीं दिया गया है, कुछ नहीं कहा गया है कि आखिर ये घटना निंदनीय है। उसकी निंदा तक उन्होंने जो है ट्विटर के माध्यम से नहीं की, या उस युवती के साथ उस संवेदना व्यक्त उन्होंने ट्विटर के माध्यम से नहीं दी है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर महिला सांसद इतनी संख्या में है, उसके बावजूद इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर वो चाहें तो सड़क से संसद तक हिला सकती हैं, लेकिन किसी भी तरीके का यहाँ पर ट्विटर के माध्यम से कुछ नहीं कहा गया। आखिर क्यों नहीं कहा गया? क्या एक महिला होने के नाते किसी भी प्रकार की संवेदना उनके मन में नहीं थी? ये महिलाओं की हम बात करें, महिलाओं से जुड़ा हुआ ये मामला है, बच्चियों से जुड़ा हुआ मामला है, आखिर क्यों नहीं कहा कुछ भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, स्मृति ईरानी जी, मेनका गांधी, हेमा मालिनी ने? जबकि स्मृति ईरानी जी तो कई बार चूड़ियां बेचती हुई नजर आती हैं,
लेकिन क्या योगी सरकार को उन्होंने इस मामले में चूड़ियां भेजी? कि चूड़ियां क्या प्रशासन को भेजी उन्होंने आतरस के को के पहन लीजिए आपके होते हुए इस तरीके से उत्तर प्रदेश में चल रहा है? ये सारे सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल सरल टॉक यही कहेगा कि देश में बच्चियों के लिए कोई कड़ा कानून लाया जाए कि इन घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। सरल टॉक की चलते चलते सभी युवाओं और देश के सभी नागरिकों से यही अपील है कि इस सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और उसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इतना फैलाइए कि सरकार के कानों तक आपकी हर मांग पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।